जंगल से आपको अभी क्या दिक्कतें हो रही हैं? जंगल से तो बहुत सी दिक्कत हो रही हैं। अभी हमको लकड़ी लाने नहीं देते। लकड़ी लाने के साथ साथ में क्या, हम लोग गाड़ी बनाते हैं, लकड़ी ढोते हैं, इसको लिए हम लोग को देते नहीं। हम लोग को रोक थोम कर कर पिटाई भी देते हैं कभी कभी, और कभी हमको मिलते हैं रास्ते में तो धमका चमकी भी करते हैं। सिवनी जिले के ग्राम सिमरिया में ग्राम सभा ने सामुदायिक वन अधिकार के लिए पिछले एक साल से दावा लगाया हुआ है, लेकिन इन्हें शासन द्वारा अधिकार पत्र नहीं दिया जा रहा है। ये सारे जंगल से भी पहले हम बहुत कुछ निस्तारी ले सकते थे, लेकिन आज पूरा फॉरेस्ट विभाग ने प्रतिबंध करके रखा है, तो हमारी जो निस्तारी उपयोग की चीज़ें हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं। आज हम पूरे आदिवासी लोग इस पूरे जंगल से जुड़े हैं, बिना जंगल के हम आदिवासी लोग जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आज यहीं अंदर हम जा नहीं सकते कहना चाहिए। आदिवासी सुशासन संघ जो पूरा इस संगठन के साथ जुड़ के हमने जाना कि भाई पेशा कानून जो पांचवी अनुसूची है और जो वन अधिकार कानून आया है, इसके तहत आदिवासियों को जंगल के अंदर किस तरह से निस्तारी का हक दिया हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ये कानून तो एक जगह कागज में रह गए हैं, लेकिन वास्तविकता में जो आदिवासियों के साथ दिक्कत हो रही जंगलों से, वो कुछ सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। अभी जैसा तेंदूपत्ता है, महुआ है, ये कहीं कहीं से अपन लोग कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बहुत बड़ा हमारा दायरा है जो पूरे जंगल के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें छूट जा रहा है। वो अपना आजीविका चलाने के लिए जंगल के ऊपर ही निर्भर है, लेकिन उस चीज़ में भी यानी चोरी छुपे उसको ये सब चीज़ करना पड़ता है, तो ये सारी दिक्कतें हैं इस जंगल से कहना चाहिए। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप हमारे जिले के कलेक्टर महोदय धनराजू एस, जिनका मोबाइल नंबर है 9425827655, इस नंबर पर कॉल करें, जिससे समुदाय के लोगों को सामुदायिक वन अधिकार मिल सके। मैं रेखा भांगरे।